बी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जोर शोर से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की वजह से जहां कोरोना के केसों में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं कई राज्यों में अब वैक्सीन खत्म होती नजर आ रही है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 79 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों ने कोविड से दम तोड़ दिया है। वहीं अगर हम दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.11% हो गया है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन लगभग खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते रिकॉर्ड स्पीड पर वैक्सीन लगाने का काम चला है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में वैक्सीन खत्म है और केंद्र सरकार से सप्लाई भी नहीं आ रही है। मेरी केंद्र से अपील है कि दिल्ली वालों की जरूरत के हिसाब से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र से सप्लाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है, अब घटकर 80,000 पर पहुंच गया है। 5 जुलाई को 80,841 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। दिल्ली में अभी 2,83,000 वैक्सीन का स्टॉक बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां लगातार दूसरे दिन कोरोना के 79 नए केस सामने आए हैं, जबकि सक्रिय केसों का आंकड़ा 833 हो गया है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों में राजधानी में कोरोना से होने वाली मौतों पर बात की जाए तो ये आंकड़ा भी लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से महज 4 लोगों की जान गई है। तो वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से दिल्ली पर वैक्सीन का संकट मंडराने लगा है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की है। उनका कहना है कि दिल्ली को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध कराएं, ताकि हम इसी तरीके से इसी दर के साथ और इसी तेजी के साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला सके। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार दिल्ली में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसमें काफी तेजी आई है, जिसकी वजह से केसों में भी काफी कमी आई है और लगातार सरकार सतर्क भी है। लेकिन अब जब वैक्सीन खत्म हो चुकी है तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की उपलब्धता के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और जरूरत के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है, अब घटकर 80,000 पर पहुंच गया है। इसे वापस उसी तेजी के साथ चलाने के लिए वैक्सीन की जरूरत है। दिल्ली में फिलहाल 2,83,000 डोज वैक्सीन के बचे हैं। राजधानी में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से राजधानी में वैक्सीन का संकट मंडराने लगा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तमाम जानकारी दी। उनका कहना है कि जो वैक्सीनेशन हमारे पास थी, वैक्सीन पूरी तरीके से हमारे पास था, तो वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चल रहा था और पिछले 2 हफ्ते में वैक्सीन का काम जो है, वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा था और लगभग 2 लाख के करीब रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब दिल्ली में एक बार फिर से वैक्सीन का संकट है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द दिल्ली को जरूरत के हिसाब से और लोगों की जरूरत के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि जल्द से जल्द पूरी दिल्ली की आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके और कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। ये उन्होंने केंद्र से अपील की है। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में 2,83,000 वैक्सीन स्टॉक बाकी है और दिल्ली में अगर कोरोना की बात करें तो 79 नए केस कोरोना के 24 घंटे में सामने आए हैं और 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी पर दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली पर संकट एक बार फिर से वैक्सीनेशन का मंडरा रहा है, वैक्सीन एक बार फिर से खत्म होती जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से दिल्ली सरकार जिस तरीके से वैक्सीनेशन का टीकाकरण यानी कि रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी यही चाहती थी कि जनता तक वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण जो है वो हर तरीके से पहुंच सके, मगर जिस तरीके से अब वैक्सीन फिर खत्म होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक वैक्सीन नहीं दी गई है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है, मगर अभी भी 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन के जो टीकाकरण है वो अभी दिल्ली सरकार के पास है, मगर ये भी सिर्फ 24 घंटे के लिए या फिर दूसरे दिन खत्म हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से
बार बार गौर लगा रही है कि उनको डोज दी जाए ताकि जनता तक मुहैया कराई जा सके, मगर कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो स्लो होती नजर आ रही है। और यही चीज कहते हैं वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है लोगों को कि टीकाकरण जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, यानी कि वैक्सीन जो खत्म होती जा रही है, और इसीलिए लोग बाग जो है कब वैक्सीन सेंटरों पर कम जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, जब दिल्ली में वैक्सीन थी, पूरे तौर तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वाकई लगातार जो दिल्ली में वैक्सीनेशन चला उसमें 2 लाख के करीब डोज लगाई गई, या फिर ये मात्र आंकड़ों में है? नहीं नहीं देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कह रही है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा के लिए पर डे के लिए डोज लगाई थी, क्योंकि पिछले हमने कुछ दिनों के अंदर देखा भी था 1.5 लाख पौने 2 लाख और 2 लाख के करीब आंकड़े जरूर आए थे 24 घंटे के। मगर जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन के टीकाकरण में रफ्तार होती नजर आ रही थी, उससे लगता था कि आने वाले समय से पहले ही, यानी तीसरी लहर से पहले ही वैक्सीनेशन का टीकाकरण हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है, मगर कहीं ना कहीं अब फिर दोबारा से अटकलें लगाई जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा उनके पास वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही है और पिछले 24 घंटे के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं फिर स्थिति बिगड़ने वाली है और कहीं ना कहीं फिर केंद्र सरकार से गुहार लगाई जाएगी। और लगातार दिल्ली सरकार पिछले 3 दिनों से केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि वैक्सीन जो है उनको उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो फिर दिक्कतें। राजीव, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर केंद्र क्यों इस तरीके से इस बात में ढील छोड़ रहा है? देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तमाम चीजें हमने देखी है, उसमें सरकार बिजी है, लेकिन देश को वैक्सीन कैसे दी जाएगी इसका अभी किसी को नहीं पड़ी है, तमाम अपनी चीजों में सब लोग बिजी हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार बेशक मंत्रिमंडल के लिए यानी कि जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे उस पर बिजी हो चुकी है, दिल्ली सरकार अपने अपने राज्यों पर जो बिजी हो चुकी है, मगर बात करें और राज्यों की तो वहां पर भी कहीं ना कहीं स्थिति इसी तरीके की है, मगर कहीं ना कहीं जनता के बारे में कोई भी नहीं सोचता नजर आ रहा, चाहे वो। चलिए, तो बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं, कोरोना पर दिल्ली में बात कर रहे थे, हमारे साथ राजीव तिवारी मौजूद हैं। राजीव, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से सरकारें अपने निजी कामों में बिजी हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन अभी जनता की ओर किसी का ध्यान नहीं है। हमने देखा दूसरी लहर में किस तरीके से तमाम चीजें हुई है, सभी ने देखा है, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पतालों के बाहर लोग मर रहे हैं, शमशान घाट में लोगों के लिए जगह नहीं है, और कहीं वही स्थिति दोबारा ना आ जाए इसका डर सभी को है, लेकिन इस बीच सरकार क्या कर रही है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें सरकार का यानी केंद्र सरकार का ध्यान सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की तरफ है, क्योंकि इसी तरफ ही उनका रुझान देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं उसी को लेकर बैठकें भी की जा रही है। मगर बात करें दिल्ली के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अब स्लो हो चुका है, और कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती थी कि तीसरी लहर है उससे पहले ही हर व्यक्ति को डोज मिल सके, मगर जिस तरीके से हमने दूसरी लहर के अंदर देखा था बेड नहीं मिल पा रहे थे लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, यहाँ तक कि वैक्सीन की जो टीकाकरण था वो भी नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं जो आईसीयू बेड की बात करें, वेंटिलेटर बेड की बात करें, या फिर जो लोगों को शमशान घाट के अंदर जगह नहीं मिल रही थी वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे थे दिल्ली सरकार के ऊपर भी और केंद्र सरकार के ऊपर भी, मगर अब केंद्र सरकार का सारा ध्यान सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की तरफ है, ना ही वैक्सीनेशन के और टीकाकरण की रफ्तार देने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं अब दिक्कतें होती नजर आ रही है, और देखना होगा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार क्या कुछ अब इस मसले पर करती है। भाई, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब बात आगे कर लेते हैं, एक तरफ सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कोरोना की दवाओं की ठगी करने वाले ठग भी अपनी तैयारी में जुटे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। इस मामले में साइबर सेल ने बिहार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से एक नाबालिग भी है। कुछ आरोपी अभी भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। ये आरोपी जरूरतमंदों को ठगा करते थे। आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिसको जरूरत होती थी उसको ऑनलाइन वो बुक करवाते थे और उसके बाद पेमेंट मिलने के बाद डिलीवरी ही नहीं किया करते थे। अब ऐसा ही एक मामला 16 जून को साइबर सेल में शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू की और जांच में पाया गया कि बिहार से ये फ्रॉड किया गया है। जब साइबर सेल की टीम बिहार शरीफ पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक प्रॉपर कॉल सेंटर वहां चला रहा था, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही थी, जिसका भंडा भी अब मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने फोड़ दिया है। और इस दौरान कई रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है, नकली रेमडेसिविर, वो भी बरामद किए हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रेमडेसिविर बेचने वालों का भंडा यहाँ प्रशासन ने फोड़ किया है। आपको बता दें, मुंबई में लगातार जिस तरीके से फर्जी वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा था, बोगस वैक्सीनेशन ड्राइव भी लगाए गए थे। इस बीच अब ये बड़ी खबर, जहां पर
मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने ये बड़ा पर्दाफाश किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार ये लोग नकली रेमडेसिविर बेच रहे थे और लोगों से ठगी कर रहे थे। ऑनलाइन फ्रॉड इनके द्वारा किया जा रहा था। जब तमाम लोग जिनको रेमडेसिविर की जरूरत होती थी, जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे, उसके बाद ये लोग पहले पेमेंट लेते थे और पेमेंट लेने के बाद ये लोग उनको वैक्सीनेशन का जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो ही नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से चलिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हमने देखा बोगस वैक्सीनेशन किस तरीके से मुंबई में हुआ और अब ये बड़ा मामला, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, साइबर सेल ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए मुस्कान, किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस दौरान सरकार यह तैयारी कर रही थी कोरोना की दूसरी लहर से कैसे निपटा जाए, लेकिन जो ठग है वो इसलिए अपनी तैयारी में जुटे थे कि जो ठगी का मामला है उसको कैसे किया जाए। लिहाजा मुंबई की क्राइम ब्रांच साइबर सेल ने बिहार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 100 से ज्यादा सिम कार्ड और तमाम जो है कॉल सेंटर की जानकारियां, उसके बाद 32 जो अलग अलग बैंक के अकाउंट जो है सीज किया गया है, जो लगातार कोरोना काल के दौरान ठगी का को अंजाम देते थे। लिहाजा जब कोई शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन या माइक्रोसिस के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती थी, वो ऑनलाइन एक नंबर दिया करते थे, उस नंबर पे कॉल करने के बाद ये लोग जो है उनसे पैसे मंगवाते थे, पैसे मंगवाने के बाद जिस अकाउंट डिटेल दिया रहते थे उसको या तो बंद कर देते थे या तो फिर फोन उठाना बंद करते, लिहाजा उनके साथ ठगी करते थे। सत्यप्रकाश, पुलिस ने जिस तरीके से खुलासा किया है कि उनके पास से रेमडेसिविर बरामद भी किए गए हैं। जाहिर तौर पर रेमडेसिविर नहीं किए गए हैं, लेकिन तमाम जो जानकारियां मिल रही है कि रेमडेसिविर के नाम पे लोग ठगी करते थे, जिसको रेमडेसिविर की इंजेक्शन की आवश्यकता होती थी वो जो नंबर दिए रहते थे उन पे कॉल करते थे। यानी कि सत्यप्रकाश, साफ साफ है इस फ्रॉड की वजह से बहुत से लोगों की जाने गई होगी, अब इन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए बिहार से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से ये खंगाला जा रहा है कि और कितने लोग इनके साथ शामिल है। लिहाजा बिहार में जो एक बड़ा कॉल सेंटर मिला है जिसमें करीब सैकड़ों लोग काम करते थे, अब समझ सकती थी कितना बड़ा कॉल सेंटर होगा और देश में कितने लोगों के साथ ये लोग धोखा कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर इनके ऊपर जो तमाम धाराओं के साथ जो है एक्शन लिया गया है और जानकारी निकाली जा रही है। आप बने रहिए सत्यप्रकाश हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मुंबई में जिस तरीके से साइबर सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है और साइबर सेल ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, इसी खबर पर हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अब इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? जैसे मुस्कान, देखिए एक तो लोगों के साथ चीटिंग करते थे, दूसरी बात जो जान माल का धोखा लोगों के साथ, तो जाहिर तौर पर धारा 306 और 420 के तहत गिरफ्तारी हुई है, चलाने वाले मामले के साथ गिरफ्तारी हुई है, तमाम अन्य धाराएं लगा जाएगी, आईटी एक्ट लगेगा क्योंकि साइबर सेल का मामला है, एक्ट एक्ट। उसके अलावा जो है जिस तरह से लगातार ये लोग ठगी को शिकार बनाते थे उनको भी धर दबोचा गया है और तमाम सिस्टम भी बरामद किया गया जिस सिस्टम के द्वारा ये लोगों को फर्जी तरीके से एक ऑनलाइन वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे एक छोटी सी इख्तियार देते थे, उस इख्तियार में इनके कई लोगों के नंबर मोबाइल नंबर लिखे रहते थे, उसके जरिए लोगों को ठगी बनाते थे और लोगों को विश्वास में लेते थे कि वो जो संस्था चला रहे हैं या वो जो कॉल सेंटर चला रहे हैं वो कहीं कहीं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लिहाजा उनके झांसे में लोग आते थे और उनको बड़े पैमाने पर जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन या म्यूकोमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस की दवा है उसके लिए या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की जो किल्लत थी दूसरे लहर में उनको ये लोग उनसे पैसे लेते थे लेकिन उनको डिलीवरी नहीं देते थे। लिहाजा जब डिलीवरी की बात आती थी तो या तो फोन बंद कर देते थे या तो संपर्क से हट जाते थे, इसलिए लोगों को शिकार बनाते थे। देखिए अब कोरोना काल की तीसरी लहर आने वाली है, इनका मानना है कि इस तीसरी लहर में किस तरह से ठगी किया जाएगा इसकी पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके रखे थे कि किस तरह से
इन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने इनका पर्दाफाश कर दिया है और उनके तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुख अगली खबर की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौथे दिन के होमवर्क के बाद अपनी मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों के लिए विभागों का बंटवारा कर दिया है। महज 6 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं और मिशन 2022 को ध्यान में रखकर युवा मुख्यमंत्री ने अनुभवी सहयोगियों को कार्य आवंटन में दरियादिली के साथ दूरदर्शिता भी दिखाई है। 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली दफा स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, ग्राम्य विकास जैसे हैवी वेट विभाग मुख्यमंत्री की पोर्टफोलियो से बाहर निकले हैं। गृह, वित्त, नियोजन और तकनीकी शिक्षा समेत 12 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं और सभी 11 मंत्रियों के पिछले विभागों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। खपा चल रहे वरिष्ठों के सम्मान का ध्यान रखते हुए बड़े विभागों से उन्हें नवाजा गया है। मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद का वजन बढ़ा है। डॉक्टर धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोशन और अब वजनदार विभाग पाकर लाभ की स्थिति में रहे हैं। धामी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की तुलना में अपने सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। अगले विधानसभा चुनाव से चंद महीनों पहले मुख्यमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी ने पोर्टफोलियो वितरण के जरिए चुनौतियों से निपटने की अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। कम समय में विकास कार्यों को अंजाम देने की चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने विभागों के बंटवारे में सतर्कता बरती, अनुभवी मुख्यमंत्रियों और अनुभवी मंत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर उन्हें परफॉर्मेंस साबित करने का मौका भी दिया है। चलिए हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं देहरादून से। रोहित, जिस तरीके से अब ये तमाम चीजें हमने देखी, अब मुख्यमंत्री धामी ने तमाम बंटवारे कर दिए हैं 11 कैबिनेट मंत्रियों के, क्या कुछ उनको विभाग दिए गए हैं और क्या कुछ अभी अपडेट? मुकान बहुत महत्वपूर्ण है कि पुष्कर सिंह धामी 5 साल के भीतर तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं और शुरू से ही जब से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ उसके पहले से ही लगातार ये कयास लग रहे थे और ये पुख्ता खबर भी थी कि तमाम जो सीनियर मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं। तो अगर नाराज मंत्रियों की बात करें तो इसमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य जो कांग्रेस कैंप से आए हुए नेता रहे हैं, ये तमाम लोग नाराज थे और काफी सीनियर नेता हैं, इनका वर्चस्व भी अपने अपने क्षेत्रों में और बहुत बड़ा इतिहास है इन लोगों का राजनीति। तो इन लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास मात्र 15 विभाग रखे हैं और सतपाल महाराज को 8 विभाग दिए हैं, हरक सिंह रावत को 7 विभाग दिए हैं, बंसीलाल भगत को 5 दिए हैं, यशपाल आर्य को 6 विभाग दिए हैं। अब इनमें बदलाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात करें या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग और आबकारी विभाग, ये तीनों विभाग मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखते थे। लेकिन यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक के तहत ये मलाईदार विभाग हैं, इन तमाम मलाईदार विभागों को तीनों नाराज मंत्रियों को वितरित कर दिया गया है। यानी रोहित, साफ है कि जिस तरीके से आगे विधानसभा चुनाव आने हैं, बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो भी नाराजगी उनके नेताओं मंत्रियों में है उसे दूर किया जाए और अब उत्तराखंड में मिशन 2022 को इस तरीके से साधा जाए कि पार्टी में कोई फूट ना रहे, पार्टी में कोई नाराज ना रहे। बिल्कुल मुस्कान, आपने सही आकलन किया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए ये तमाम बड़े नेता है ये नाराज चल रहे हैं, यशपाल आर्य काफी नाराज थे, हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 2-2 बार फोन करके उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया और हाई कमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अपने पास लोक निर्माण विभाग जैसा विभाग मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखे थे तो लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ये उठा के सतपाल महाराज को दे दिया गया है। बहुत ही मलाईदार विभाग है और नाराजगी दूर करने का प्रयास ये जनता भी समझ सकती है कि नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया है। हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो उनको ऊर्जा विभाग दे दिया गया है, UPCL सोचिए कितना बड़ा विभाग है जो मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखते थे। और तीसरा यशपाल आर्य, उनको आबकारी विभाग, शराब का विभाग उनको दे दिया गया है। ये तमाम विभाग ऐसे हैं जिनमें राजस्व अकूत राजस्व है और मलाईदार विभाग कहे जाते हैं। तमाम मंत्री ऐसे हैं जो इन विभागों को लेने के लिए दलायत रहते हैं क्योंकि ये मलाईदार विभाग है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लगातार 5 साल के भीतर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये कहते रहे कि स्वास्थ्य महकमा मुख्यमंत्री अपने पास
रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र इसी के साथ रोहित देखिए जो पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह और तीरथ सिंह रावत, इनकी इनकी तुलना में अब जो धामी है उन्होंने अपने सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा दिखाया है, क्या इसकी वजह से पूर्व सीएम के मन में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, पूर्व सीएम क्योंकि जब वो उनके पास सत्ता थी तब वो उनके पास अधिकार भी थे, लेकिन अब क्योंकि पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री 5 साल के भीतर बने हैं और इस बार कहीं ना कहीं हाईकमान जो है केंद्रीय हाईकमान, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी को पता है कि पुष्कर सिंह धामी 2 बार के मात्र विधायक है, उनको मुख्यमंत्री सीधे बना दिया गया है। तो ये बात सबके जहन में थी कि तमाम जो सीनियर मंत्री हैं, यशपाल आर्य हो गए, सतपाल महाराज हो गए, हरक सिंह रावत हो गए, इनकी नाराजगी लाजमी है, नाराज हो सकते हैं। तो हाईकमान सीधे सीधे निर्देशित कर रहा है यहाँ पर राज्य सरकार को, पुष्कर सिंह धामी को और तमाम बड़े नेताओं को, बीजेपी के संगठन को भी, कि इन तीनों नेताओं को मनाने का प्रयास किया जाए। और उसी के तहत हाईकमान के निर्देश पर पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग हरक सिंह रावत को, लोक निर्माण विभाग सतपाल महाराज को और आबकारी विभाग यशपाल आर्य को दिया है, तीनों मलाईदार विभाग देने का प्रयास किया है। और जाहिर तौर पर अब लगता है कि संभवतः इनकी नाराजगी दूर होगी, क्योंकि 4 से 5 महीने का समय अभी है, 4 से 5 महीने बहुत होते हैं। तो हाईकमान ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है, मन मनोबल का दौर भी जारी है। विधानसभा चुनावों को लेकर आके जनता का क्या रुख है, क्योंकि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि अपने मंत्रियों को, जो भी उनके नेता मंत्री हैं, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, लेकिन इस बीच अब जनता का क्या रुख चल रहा है, क्या रुख देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मुस्कान, जनता अभी सुस्ती सुस्ती में बची हुई है, क्योंकि जनता अभी इसी चीज से उबर नहीं पा रही है कि 5 साल के भीतर तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। तो अभी जनता भी सुस्ती सुस्ती के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर देखें तो सीनियर नेता हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति की कमान मिली है, और नेता प्रतिपक्ष की अगर संभावित दावेदारी की बात करें तो वो प्रीतम सिंह को मिल सकती है, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सीनियर नेता गणेश गोडियाल को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हरीश रावत जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत चेहरा होंगे, और हरीश रावत की जनता में पकड़ बहुत अच्छी है, जनता से सीधे 1-to-1 मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, तमाम ऐसे नेता हैं जो अन्य दलों को तोड़ तोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।